हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। अभी ना सुबह सुबह का टाइम है, मतलब काफ़ी टाइम नहीं, अभी हम लोग आए थे वहीं से, लेकर गई थी। अब मैं किससे क्या क्या बोल के बोलूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे मुझसे रिश्ते बना लिए हैं कि अब मैं मेरे पास शब्द ही नहीं है। बहुत सारे नाम दिए हैं आप लोगों ने, कोई भैया कोई दीदी। सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा ना कि मैं क्या बताऊँ। पहले जवान पे यही बात आ गई, क्योंकि शुरुआत करने से पहले ही आप लोग मतलब इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना कि सच में बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है मुझे। और अब मैं बहुत ही एकदम कंफर्टेबल होकर आप लोगों से बात कर पाती हूँ और एकदम मतलब अब डर नहीं लगता है। इतना थोड़ा बहुत नर्वस होती हूँ जब सामने आप लोगों से कैमरे पर बात करती हूँ ना, तो बहुत ही नर्वस होती हूँ। पर ऐसे टाइम पे अगर मैं बात करती हूँ ना, जब वॉइस ओवर करती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मैं आप ही लोगों से बात कर रही हूँ। सच में बहुत ही अच्छा लगता है। बस आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। तो चलिए काम करते हैं। तो मैं कहाँ पर थी, मैं बता रही थी कि हाँ, हम लोग सुबह गए थे मॉर्निंग में, वहीं पर जो पीलिया झड़वाते हैं ना, तो वहाँ गए थे। तो बस वहाँ से सीधे आने के बाद सुबह सिर्फ चाय बस पी कर गई थी मैं, और उसके बाद आकर अभी मैं ये काम शुरू कर दी हूँ। थोड़ा सा नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है, नाश्ते में वही अभी सलाद फल फ्रूट यही खाए हैं। तो अब जो हस्बैंड को देते हैं ना, वही हम लोग भी खा लेते हैं। अब क्या बनाएं क्या ना बनाएं नाश्ते में भी, और खाना में कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब दो दो जगह खाना बनाओ तो दिक्कत भी होती है, और हैं ही कितने लोग, तीन व्यक्ति हैं, तो उसके कारण भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो बनता है वही हम लोग भी खा लेते हैं। तो मैंने सोचा आज, और आज नौमी वाला दिन है, तो सुबह से ही मैं काम में लग गई हूँ, तो मुझे फटाफट से दो तीन घंटे में ही काम फिनिश करना है। दो तीन घंटे तो मैं बोल रही हूँ, पर पता नहीं कितने घंटे लगेंगे मुझे भी नहीं पता, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था। तो अभी मैं सुबह से सारे कपड़े वगैरह, अभी मैंने सोचा पहले बिस्तर ठीक कर दूँ, मैंने बेडशीट वगैरह नहीं बदली थी, 8 दिन से ज़्यादा हो गए थे इस बार, नहीं तो मैं 8 दिन भी नहीं होने देती हूँ और बेडशीट निकाल देती हूँ, चेंज कर देती हूँ। तो आज मैंने बेडशीट बदल ली हैं और सामने वाले रूम की भी बदल दी हैं। और यहाँ पर मैं सोच रही थी थोड़े से, जो अभी टाइम है बहुत, तो बस सिंपल सा ही तो खाना बनना है, ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है, क्योंकि आज के दिन वैसे भी मैं छोले बनाती थी, लेकिन आप लोग समझ सकते होंगे कि मैं खाना अभी इतना मसाले जो वाला होता है वो नहीं बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा खाना ही बनाऊँगी। तो आज के जो खाने में नौमी वाला दिन है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर, क्योंकि मेरा कार्तिक कल से बोल रहा है, क्योंकि कन्या भोजन भी हो रहे हैं ना मोहल्ले में, तो उसको भी इच्छा होती है, पर लड़का है क्या कर सकते हैं, अब कन्याओं के लिए ही होता है। तो फिर मैंने उसे कह दिया था कि मैं खीर बना दूँगी, तो खीर बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी, और जो कल मैं बरबटी लेकर आई थी बीन्स, वो उसकी सब्जी बनाऊंगी। तो अभी तो मैं काम कर रही हूँ, तो खाना बनाना स्टार्ट मैं करूँगी 12 बजे से, क्योंकि 12 के बाद ही मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं पूजा वगैरह करेंगे। तो अभी मैं जितने भी, मैंने सोचा आज ना मैं पूरी जो अलमारी है मेरे कपड़ों की अच्छे से ठीक ठाक कर दे रही हूँ, क्योंकि कपड़े ना ज़्यादातर मेरे कार्तिक और मेरे हस्बैंड थोड़ा बिगाड़ देते हैं, मैं जमा जमा के बहुत अच्छे से केयर करके रखती हूँ, क्योंकि मेरी जो अलमारी है अलमीरा छोटा सा ही है और उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेस नहीं है, फिर भी मैं इतने अच्छे से उसको जमा के रखती हूँ कि बहुत ही कपड़े मैं सारे इसी में रखती हूँ, जो मेरे शादी वाले कपड़े हैं, मतलब कहीं आना जाना होता है
डेली वेयर और मतलब जो भी सारे कपड़े मैं अलग अलग जगह पर और इनको जमा कर रख देती हूँ। तो ऐसे करके मुझे करना पड़ता है, डेली मैं कपड़े फोल्ड करके अच्छे से जमा के जगह बना के रखना पड़ता है। और तीनों के कपड़े मेरी एक ही अलमारी में होते हैं, ये तो आप लोग ने देखा ही होगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा ही अलमीरा है तो उसमें बस। और आप लोगों के एक कमेंट मतलब कमेंट आया था कि मैं अपनी साड़ी के कलेक्शन दिखाऊं, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूं, मैं बनाऊंगी, वीडियो बना रही हूं। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझसे बोला कि मैं साड़ी का कलेक्शन करूं, तो मैं ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगी। और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी एक से एक पुरानी, इतनी पुरानी से पुरानी साड़ी आप लोगों को दिखा सकूँगी और अच्छा लगेगा। तो बस अभी जो अंदर का रूम था वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर है ना, अभी कार्तिक उठा भी नहीं था, ये तो मैं बताना भी भूल गई, तो उठा नहीं था। 9 बजे मैं अपने अंदर का काम करने लगी रही और यहाँ पर अभी सो रहा था। तो इसी रूम में सोते हैं, पता नहीं क्यों आदत नहीं है हमारी अंदर वाले रूम में सोने की, तो कोई नहीं सोता है, ना ही कार्तिक और ना मैं, और कोई नहीं सोता मतलब ये लोग, तो हम लोग यहीं सो जाते हैं, ऐसे नीचे डाल लेते हैं, नीचे हम और कार्तिक सो जाते हैं। तो वो अच्छा सा पता नहीं क्यों अब नहीं लगता ठीक, यहीं पे शुरू से ही आदत है तो यहीं से सोते हैं। तो मैं उसको उठा रही थी कार्तिक को, तो मैंने बस उसको उठा दिया है और काफ़ी टाइम हो गया था, आजकल 10 बजे तक सो रहा है अभी, तो थोड़ा सा टाइम हो गया था। तो सारा काम करने के बाद अभी सामने की जो बेड शीट है ना, ये पलंग की वो वाली नहीं, मैंने अभी उसको की है चेंज, क्योंकि हस्बैंड जी आके थोड़ा लेट गए थे, नींद सी आ रही थी उनको, तो इस वजह से मैंने उस अभी इस पलंग की बेड शीट चेंज नहीं की है। और अभी बस मैं थोड़ा सा फल फ्रूट और काट के दे रही हूँ हस्बैंड जी को, क्योंकि थोड़ा भूख लग रही थी और टाइम हो गया था, 11 बज गए हैं करीब, मैंने टाइम देखा नहीं हूँ लेकिन अंदाजे से ही 11 ही बज रहे हैं, क्योंकि 9 बजे से काम स्टार्ट किया था, तो 2 घंटे में मैंने बहुत सारा काम था अंदर का, जो मैंने कपड़े फोल्ड किए, कुछ छांट कर रखे और सब मैंने करके कंप्लीट रख दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैं खाना की तैयारी में आ गई हूँ, तो अभी बज गए हैं 12 और देखिए खीर बना रही हूँ मैं तो। और उसके बाद इसके साथ मैं, और आज ना एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई है, जो गैस चूल्हा है ना हमारा, एक छोटा वाला बाजू वाला, वो नहीं चालू हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, बिगड़ गया, तो उसके कारण ना वो नहीं चल रहा है, तो एक ही चूल्हे पर मुझे बनाना पड़ रहा है। इसके कारण खाना में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, 2 बज गए थे सच में। तो देखिए आलू और बरबटी की जो सब्ज़ी है वो बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल, मैंने बताया था, सिर्फ थोड़ा सा ही मैंने घी डाला है और हरी मिर्च काट के डाली है 1 ठो बस, और सिर्फ ये भूंज लूँगी और बिल्कुल नमक डाल के ही बनाऊँगी और टमाटर डालूँगी, और टमाटर तो सब्ज़ी में ही आता है तो वो दे सकते हैं। तो बस इस तरह से हमारा आज का खाना बन रहा है, और बस अभी मैं टमाटर डाल दूँगी ये। तो ऐसी सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने तो, मेरे हस्बैंड बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि कह रहे थे अच्छी लग रही है, वो कुछ भी नहीं डाला, जबकि नमक बस डाली थी और काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा। तो इस तरह से मैं मतलब काली मिर्च और सिर्फ नमक ही डालकर मैं कोई भी चीज़ अभी बना रही हूँ, हरी मिर्चें भी ज़्यादा नहीं देना है, तो काली मिर्च और नमक यही 2 चीज़ें बस डालकर बना रहे हैं, मसाले बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो ऐसे ही बना रही हूँ मैं। तो देखिए यहाँ नमक डाला है लास्ट में अच्छे से भुनने के बाद बरबटी को, और यहाँ पर देखिए सब्जी तैयार हो गई है, बस अच्छे से बन गई है। उसके बाद अभी मैं पूड़ियों की तैयारी कर लूँगी, और पूड़ियाँ भी मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि तेल का तो खाना भी नहीं है, सिर्फ पूजा के लिए, हाँ जो भगवान जी के लिए प्रसाद बनाना है तो उनके लिए तो बनाना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत प्रसाद लेंगे तो एक एक ले लेंगे भगवान जी के, उससे
प्रसाद के रूप में हम लोग भी। तो आज पूरी नहीं बनाएंगे, तो कार्तिक के लिए भर मैं बनाऊंगी 2-4 ठों, तो उसको बना दूंगी, क्योंकि वो खीर पूरी खाएगा बोल रहा है। तो बस अभी खाना मेरा रेडी हो गया है, बस अब पूड़ियाँ बनाना बाकी है। तो देखा आप लोगों ने, मैं ना बातों बातों में और काम के चक्कर में आप लोगों से नवरात्रि विश करना भूल गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा छोटी सिस्टर समझ के और जो भी आप समझते हो। तो आप लोगों को बहुत 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 सारी हैप्पी नवरात्रि और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी की कृपा पूरी करें और अच्छे से, मतलब आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। जिस तरह आप मेरे लिए करते हैं, मैं भी आप लोगों के लिए करूंगी। तो देखिए यहाँ पर आटा लगा लिया है मैंने और लगा कर रख दिया था। छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे, अठवाएँ बोलते हैं ना, तो वो बनाएंगे। तो बस उनके लिए मैं छोटी छोटी लोई तोड़ रही हूँ और नहा धो के मैं तैयार भी हो गई थी और बाल गीले थे, तो मैंने थोड़े अभी क्लचर में फंसा लिए हैं, क्योंकि खुले बाल तो मैं भी नहीं रखती हूँ, आप लोग बोलते हैं ना, तो खुले बाल मत रखा करो। तो बाल खुले इसलिए रखी हूँ क्योंकि गीले हैं, सूख जाएंगे तो मैं ऊपर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। बहुत से लोग तो खुले खुले बाल रखते हैं ना, तो कैसे रहते होंगे, पर मुझे नहीं लगता ठीक। अब सबकी अपनी अपनी पसंद है, बाल भी ऐसे रखना वैसे रखना सही है। तो देखिए यहाँ पर छोटी छोटी सी पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं और बस मैं इन्हें फटाफट से सेक लूँगी और बस पूजा की तैयारी हो रही है। तो मैं यहाँ पूड़ियाँ सेक रही हूँ जब तक मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, नहा रहे हैं, कार्तिक को नहला रहे हैं, बस यही काम चल रहा है। तो अभी हम लोग बस पूजा कर लेंगे। और इसमें ना ये नवरात्रि में चने की सब्जी मेन है, पर हर किसी के घर में नहीं बनती होगी ये तो मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि काले चने की सब्जी बनाई जाए। पर ऐसे मैं अपनी रूटीन में शेयर करूँगी आप लोगों से, क्योंकि रिक्वेस्ट थी। और चने की क्या बहुत सी सब्जी या बहुत सी रेसिपी की आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। आप लोग समझने की कोशिश करें, आप लोग देख रहे होंगे कि परिस्थिति अभी थोड़ा गंभीर है हमारी इस वजह से। तो काले चने इतने ज़रूरी नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी बन जाता है, दाल या छोले कढ़ी यही सब बन जाता है नौमी वाले दिन। तो बहुत सी जगह मैंने देखा है काले चने की सब्जी और पूड़ी और हलवा बनता है, क्योंकि जब मेरे, अगर आप पुराने वीडियो देखोगे ना, तो मेरे जो एक दीदी रहती थी वो हमारे कार्तिक को देती थी काले चने की सब्जी पूड़ी और हलवा, बहुत अच्छा लगता था सच में। हेलो एवरीवन, और आज तो मैं आप लोगों से वेलकम भी नहीं कर पाई, बात भी नहीं कर पाई, और अभी भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टीवी चल रही है। और अभी मैं कर रही थी पूजा की तैयारी, पूजा हो गई है, पूजा की तैयारी, और अब बस मुझे खाना देना है क्योंकि बज गए हैं 3, बहुत टाइम हो गया है, सुबह से हम लोगों का व्रत है। तो बस अब फटाफट से काम कर लेती हूँ और देखते हैं, और आप लोगों से खाना दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है, और मतलब जो मिर्च, बिना मिर्च मसाले के। तो चलिए बताती हूँ। और अभी भी मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, बहुत ही लेट हो गया था कि मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई ठीक से। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और बचा था, अभी पूजा कर रहे थे, इतनी देर में मैंने लाल वाली साग भी बना ली है, वो भी ली थी, तो थोड़ा सा मैंने उसको भी बना लिया है। यहाँ पर मैंने जो प्रसाद इन चढ़ाया था, हम मेरे हस्बैंड जी ने भगवान जी को भोग लगाए थे, तो वो प्रसाद मैं लेकर आई हूँ। तो सारे मैं जो प्रसाद है ना उसमें मिला दूँगी, खीर की जो गंजी है उसमें, तो सभी के लिए हो जाएगा वो प्रसाद। ये रहा आज का हमारा सिंपल सा बहुत ही अच्छा सा लंच, दोपहर का खाना पूरी है, ये कार्तिक की थाली है, सब्जी मैंने सजा दी है, अब देखते हैं वो क्या क्या खाता है क्या नहीं, तो मैंने इसके लिए लगा दी है। तो बस अभी हम लोग खाना खाएंगे, और दोपहर का 3 बज गए थे आज, तो काफ़ी टाइम हो गया था खाना खाने में बनाने में। तो देखिए उसने नहीं लिया, ये सब नहीं खाया, बता रही ना मैं, कार्तिक नहीं खाता है सब्जी,
बहुत ही परेशान करता है सब्जी के मामले में। तो देखिए उसने खीर ले ली और पूरी सब्जी नहीं खाया, तो इस तरीके से करता है। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।